नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके आचार्य में। दोस्तों, आज हमारा इस चैनल का 16वां एपिसोड है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये हमारे चैनल्स बहुत पसंद आ रहे हैं। और दोस्तों, आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारी फ्यूचर वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सकें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, एपिसोड नंबर 16। दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम लेके आए हैं आपके लिए एक सुपर क्वेश्चन। और आज का सुपर क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर इंसानों की तरह रोता है। दोस्तों, यदि आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आपको नहीं पता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सवाल का जवाब हम वीडियो के लास्ट में देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखिए लास्ट तक। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, तीस्ता नदी किस वृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत है। ऑप्शन है गंगा, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, आज का दूसरा सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर है। ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, ताप्ती या फिर कावेरी। इसका सही जवाब है ताप्ती। दोस्तों, आज का तीसरा सवाल है, किस नदी को वृद्धा गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर कावेरी। और दोस्तों, इसका सही जवाब है गोदावरी। दोस्तों, आज का चौथा सवाल है, पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती है। इसके लिए ऑप्शंस हैं, उच्च ढाल के कारण, इनकी गति अत्यधिक मंद है, ये नित्यवाही नदियां नहीं है, या यहाँ पर वनस्पतियां नहीं है। इसका सही जवाब है उच्च ढाल के कारण। दोस्तों, आज का पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय मौसम विभाग ने ऋतु के रूप में मान्यता प्रदान की है। ऑप्शंस हैं ठंडा मौसम, गर्म मौसम, लौटता मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। इसका सही जवाब है उत्तरी पूर्वी मानसून। दोस्तों, आज का छठा सवाल है, लौटता मौसम कहां से मुड़कर प्रभावी होता है। इसके लिए ऑप्शन से पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर पूर्वी भारत से पश्चिमी तट की ओर, उत्तर पश्चिम से बंगाल की खाड़ी की ओर। इसका सही जवाब है उत्तर पश्चिम से बंगाल की खाड़ी की ओर। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, नीचे लिखे गलत मेल की पहचान करें। ऑप्शन है आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर पश्चिम भारत, आम्र वर्षा ओडिशा। इसका सही जवाब है आम्र वर्षा ओडिशा। आज का आठवां सवाल, चाय का उत्पादन कैसे क्षेत्र में किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन है गर्म आर्द्र व पहाड़ी क्षेत्र, समतल क्षेत्र, शरद ऋतु, अत्यधिक ठंडे प्रदेश। और सही जवाब है गर्म आर्द्र व पहाड़ी क्षेत्र। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन है ह्यूमस, नाइट्रोजन, लोहा या पोटास। सही जवाब है लोहा। आज का सवाल नंबर 10, काली मिट्टी की जुताई कम क्यों करनी पड़ती है। ऑप्शन है यह उर्वर होती है, सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसका स्रोत लावा है, इसमें लोहा तथा एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में होता है। इसका सही जवाब है इसमें सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए और इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 11वां सवाल है, अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या वाला प्रदेश कौन सा है। इसके लिए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। दोस्तों, सही जवाब है मध्य प्रदेश। आज का 12वां सवाल है, मध्य तथा दक्षिण भारत की जनजातियाँ किस समूह से हैं। इसके लिए ऑप्शन है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, निग्रोइड, मंगोलाइड, ब्रेचिसिफल्स।
और दोस्तों इसका सही जवाब है नीग्रोइड। दोस्तों आज का 13वां सवाल है, उरांव, मुंडा, संथाल, गोंड और एसुरस किस राज्य में पाए जाते हैं? इसके लिए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, झारखंड, आंध्र प्रदेश। सही जवाब है झारखंड। दोस्तों आज का 14वां सवाल है, भारत में किस समुदाय का सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है? इसके लिए ऑप्शंस हैं हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या फिर जोरोस्ट्रियन। सही जवाब है जोरोस्ट्रियन। दोस्तों आज का 15वां सवाल, किस राज्य में रेगिस्तानी भूमि का क्षेत्रफल अधिक है? इसके लिए ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान। और दोस्तों इसका सही जवाब है राजस्थान। दोस्तों आज का 15वां सवाल है, चावल की अधिकतम उपज किस विधि के द्वारा प्राप्त की जा सकती है? इसके लिए ऑप्शंस हैं रोपण कृषि, छिद्रण कृषि, बिखेर कर बोने की विधि, अंकुरण विधि। इसका सही जवाब है रोपण कृषि। दोस्तों आज का 17वां सवाल है, भारत का चावल का कटोरा है? ऑप्शंस हैं कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान, केरल और तमिलनाडु। इसके लिए सही जवाब है कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18, मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है? इसके लिए ऑप्शंस हैं सुअर, भैंस, भेड़ और बकरी। दोस्तों सही जवाब है भैंस। 19वां सवाल है, भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसके लिए ऑप्शंस हैं चेन्नई, गोवा, कोची या फिर कोलकाता। और दोस्तों सही जवाब है कोची। आज का 20वां और हमारा आखिरी सवाल है, भारत से निर्यात किए जाने वाले समुद्री उत्पादों में कौन सा उत्पाद प्रमुख है? इसके लिए ऑप्शंस हैं केकड़ा, सेला, झींगी या इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है झींगी। जी हाँ, झींगी जो है भारत से निर्यात की जाती है। दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपने बड़े ध्यान से देखे होंगे, क्योंकि यह सवाल किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ यदि आपने ध्यान से देखे होंगे तो आप इन सवालों का आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ, जिसका आपका इंतजार होता है आज के हमारे सुपर क्वेश्चन का। तो दोस्तों आज का हमारा सुपर क्वेश्चन था, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर इंसानों की तरह रोता है? वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर इंसानों की तरह रोता है? इसके लिए ऑप्शन है भालू, कुत्ता, हिरण या फिर भैंस। और दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है भालू। जी हाँ, भालू एक ऐसा जानवर है जो घायल होने पर इंसानों की तरह ही रोता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सुपर क्वेश्चन और उसका जवाब। दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोज को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बाद में मिल सके। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल दोबारा फिर कल के एपिसोड में, और लाते हैं आपके लिए कुछ नए सवाल जो सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों कल तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।